दोस्तों, सबसे स्पीडली अगर आज तक हमने वैक्सीन बनाई है तो उसको कम से कम भी 3 से 4 साल लगे हैं दोस्तों बनने के अंदर। पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन बताऊं ना आपको, तो मैं भी नहीं चाहता हूं कि हर डिजीज़ की वैक्सीन मार्केट में प्रेजेंट हो। जरा सोचिए, देखिए साइंटिस्ट कोशिश तो करते रहते हैं कि हर चीज़ की वैक्सीन हम बना लें, लेकिन फिर भी वो नहीं बना पाते हैं दोस्तों। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमें फीवर होता है, जब हमें बुखार आता है, तो हमारी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं कि जिसकी वजह से हमें फीवर आता है, फिर हमारी बॉडी उस फीवर को किस तरीके से रिकवर करती है, हम जो टैबलेट्स लेते हैं, मेडिसिंस लेते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लगवाते हैं, वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, इवन ये वैक्सीन क्या चीज़ होती है, इस वैक्सीन में ऐसा क्या डाला जाता है कि ये हमें एक बहुत लंबे टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर बीमारी से निजात दिला देती है, हम सभी बीमारियों की वैक्सीन क्यों नहीं बना लेते, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फ्रेंड नरेश तादीच। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको फील करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, इसमें कई प्रकार के बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगई, पैरासाइट्स जिन्हें हम परजीवी कहते हैं, ये सारे एनी टाइम प्रेजेंट रहते हैं और कॉन्टीन्यूअसली जब हम फूड खाते हैं, जब हम वाटर इनटेक करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो इन सारी प्रोसेसिंग के अंदर ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ये कॉन्टीन्यूअसली हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते रहते हैं। फिर एक लिमिट क्रॉस होती है और जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है, उसके बाद में हमें फीवर आना स्टार्ट होता है, हमारी बॉडी के अंदर पेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, तो ये सारी परेशानियां हमारी बॉडी को होने लगती है। फिर उसको रिकवर करने के लिए हम बाहर से क्या लेते हैं, कुछ मेडिसिंस लेते हैं। वो जो मेडिसिंस होती है जिन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं, वो उस पर्टिकुलर बीमारी को, ये जो भी पैरासाइट्स आए हैं जिनकी वजह से हमें जो बीमारी हो रही है, इन पैरासाइट्स को वो किल करती है और हम वापस धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर रिकवर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एक और सिचुएशन लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमें ज़्यादा तेज फीवर नहीं आया है, बहुत लाइट फीवर है, हमें थोड़ा बहुत पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, ज़्यादा हमारी तबीयत खराब नहीं है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन के अंदर अगर हम बाहर से जो टैबलेट्स है उनको नहीं लेते हैं, फिर भी हमारी बॉडी जो होती है वो 1-2 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाती है। देखिए, हम बीमार हुए चाहे लाइट फीवर आया, इसका मतलब ये है कि जो बाहर के पैथोजन्स थे, जो फॉरेन पार्टिकल्स थे, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं, लेकिन हमने मेडिसिंस नहीं ली, फिर भी हम ऑटोमेटिकली क्या हो गए, रिकवर हो गए। तो इसके पीछे काम करता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। दोस्तों, हमारी बॉडी जो होती है वो एनी टाइम, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एनी टाइम हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेडिसिंस, दवाइयाँ बनाता रहता है और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आते जा रहे हैं उन्हें कॉन्टीन्यूअसली किल करता रहता है और हमें बिल्कुल हेल्दी रखता है। दोस्तों, इम्यून सिस्टम अगर किसी का अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में बनने वाली जो एंटीबायोटिक है, जो दवाइयाँ हैं, वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बन रही है। और अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी में जो मेडिसिंस बन रही है, जो दवाइयाँ बन रही है, उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है। चलिए, अब बात करते हैं हम वैक्सीन की। दोस्तों, वैक्सीन ही क्यों, आखिर हम वैक्सीन के पीछे इतना क्यों पड़ते हैं? तो एक सिंपल सा आंसर निकल के आता है हमारे पास कि वैक्सीन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हमें किसी पर्टिकुलर बीमारी से काफ़ी लंबे टाइम के लिए निजात दिला देता है, वो बीमारी हमें काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं लगती है। तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट समझने के पहले हम थोड़ा सा वायरस जो होता है उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जो वायरस होता है, ये जब हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो ये इतना स्पीडली हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होता है कि ये कुछ ही टाइम के अंदर हमारी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। हमारे इम्यून सिस्टम को तो हवा तक नहीं लगती है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर चुका है, फटाफटली वो पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। फिर हमारे इम्यून सिस्टम को पता पड़ता है, फिर उसके अगेंस्ट मेडिसिंस बनाई जाती है, फिर बाद में उसको सप्लाई करा जाता है उस वायरस के ऊपर। तो इट विल टेक सम टाइम,
ये जो प्रोसेसिंग है इसको थोड़ा टाइम लगता है, जब तक वो वायरस जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका होता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसका एक ही सॉल्यूशन निकल के आता है कि हम हमारी बॉडी के अंदर वो जो वायरस अटैक कर रहा है उसके अगेंस्ट बहुत सारी मेडिसिंस जो है पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर डेवलप कर लें, और उसी के लिए हम बनाते हैं वैक्सीन, उसी के लिए इंजेक्ट करा जाता है हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन को। दोस्तों वैक्सीन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जब आपकी बॉडी को लगाया जाता है तो उसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं होती है जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराई जाती है। इवन वही वायरस जो आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है या कर सकता है उसी वायरस को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है, लेकिन वो जो वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराया जा रहा है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसे पहले बाहर थोड़ा सा वीक करा जाता है, उसके बाद फर्दर उसको आपकी बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है, या मोस्टली केसेस में ऐसा भी होता है कि उसको पहले बाहर मार दिया जाता है, फिर वो जो डेड सेल्स होते हैं उसके या जो डेड पार्टिकल्स होते हैं उनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। तो वो जो वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराया है वो हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन दोस्तों इसका एक हमें फ़ायदा होता है, इसका एक बेनिफिट होता है हमें कि जब वो वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है तो उस समय हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है दोस्तों उसे पता पड़ जाता है कि इस तरीके का वायरस इन फ्यूचर भी कभी इस बॉडी के अंदर अटैक कर सकता है, और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उस वायरस से लड़ने के लिए काफ़ी क्वांटिटी के अंदर जो मेडिसिंस होती है उसे उसी समय प्रिपेयर कर लेता है, ताकि इन फ्यूचर अगर उस स्पेसिफिक वायरस का हमारी बॉडी के ऊपर हैवी अटैक भी होता है तो उसकी जो मेडिसिंस होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी तैयार रहती है और वो वायरस जो होता है वो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। दोस्तों हमारी जो बॉडी है ना इसको ऊपर वाले ने इतने शानदार तरीके से तराशा है, जरा सोचिए कि कोरोना कितने टाइम से चल रहा है और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट पीछे पड़े हुए हैं इसकी वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो इसकी वैक्सीन इसकी दवाई जो है वो ऑलरेडी बना चुकी है। अरे भाई जो लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना के, जो भी पेशेंट है जो रिकवर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस वायरस को मारने के लिए मेडिसिंस हमारी बॉडी के अंदर बन चुकी है लेकिन हम नहीं बना पा रहे हैं। तो भगवान ने हमारी बॉडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तराशा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर हम सभी बीमारियों की वैक्सीन क्यों नहीं बना लेते। दोस्तों अगर पर्सनली ओपिनियन बताऊं मेरा इसके ऊपर तो मैं भी नहीं चाहता हूं कि मार्केट में हर डिज़ीज़ की वैक्सीन प्रेजेंट हो। दोस्तों बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस चीज़ का कि मान लो अगर हर बीमारी की हर डिज़ीज़ की वैक्सीन मार्केट में प्रेजेंट होगी और अगर आपकी बॉडी में हर डिज़ीज़ की वैक्सीन को इंजेक्ट कराया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको काम करने से रोक दिया है, और अगर आपके इम्यून सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो इन फ्यूचर अगर कोई छोटा मोटा वायरस भी आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हो सकता है कि वो छोटा मोटा वायरस भी आपकी मौत का कारण बन जाए, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम तो वर्क ही नहीं कर रहा है, आपने उसको इस तरीके का बना दिया है कि वो बिल्कुल रेस्ट में रहे। देखिए साइंटिस्ट जो है वो कोशिश तो करते हैं कि हम सभी चीज़ों की वैक्सीन बना लें, लेकिन सभी डिजीज़ की वैक्सीन्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दोस्तों इसके पीछे जो कारण आता है वो आता है म्यूटेशन ऑफ वायरस। अब ये म्यूटेशन क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों सपोज़ कि एक वायरस है जिसको हम ए नेम दे देते हैं, कोई ए नाम का वायरस है, वो वायरस मेरी बॉडी के ऊपर अटैक कर चुका है। अब मैंने क्या करा कि उस वायरस को किल करने के लिए, जो ए वायरस है उसको किल करने के लिए मैंने बाहर से कुछ वैक्सीन्स मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाई, और वो जो वैक्सीन मैं ले रहा हूँ वो स्पेसिफिकली उस ए वायरस को मारने के लिए दी जा रही है मुझे। लेकिन दोस्तों ये जो ए वायरस है ये जब तक वो वैक्सीन
ए को मारने के लिए मैं ले रहा था, वो जब तक मेरी बॉडी में काम करेगी तब तक वो जो वायरस ए था मेरी बॉडी में वो अपनी फॉर्म को चेंज करके बी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मुझे बी वाले वायरस को मारने के लिए दूसरी वैक्सीन लेनी पड़ेगी, तब तक वो जो वायरस होगा वो कन्वर्ट होके सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी रोटेशन को, इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं म्यूटेशन ऑफ वायरस। मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी जो फॉर्म होती है उनको चेंज करता रहता है, इसीलिए बहुत सारी डिजीजेज होती है उनकी वैक्सीन्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। म्यूटेशन ही एक कारण निकल के आता है यहाँ पे। इवन देखो जो कोरोना चल रहा है इसके अंदर जो म्यूटेशन ऑफ वायरस है वो इतना नहीं देखा जा रहा है, इसीलिए हम थोड़े से पॉजिटिव है कि हो सकता है जल्दी से जल्दी इसकी मार्केट के अंदर वैक्सीन जो है वो प्रेजेंट हो जाए। चलिए अब कुछ फैक्ट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। कई सारी बीमारियाँ ऐसी है जिनके ऊपर काफ़ी सालों से शोध चलते हुए आ रहे हैं, उनकी वैक्सीन्स ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सभी डिजीज़ की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। जैसे कि हम एग्जांपल्स की बात करें तो सैकड़ों सालों, सेंचुरीज बीत चुकी है, लेकिन मलेरिया की वैक्सीन आज तक हम नहीं बना पाए हैं। इसके अलावा 1983 से HIV एड्स चलता हुआ आ रहा है दोस्तों, इसकी वैक्सीन हमारे पास नहीं है। HIV का जो वायरस होता है इसके अंदर भी म्यूटेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जब इसका वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो वो अंदर ही काफ़ी फॉर्म के अंदर बहुत फटाफट कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से इसकी वैक्सीन बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। 2002 या 3 के अप्रॉक्स से चलता हुआ आ रहा है SARS, वो भी एक वायरस की बीमारी थी, उसका भी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, उसकी भी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। इसके अलावा जो 2015 के अंदर डेंगू है उसकी वैक्सीन हमने बनाई थी लेकिन वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई, उसके काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट देखे गए जब उसको लोगों को लगाया गया। फाइनल रिजल्ट के बाद में जब उसको मार्केट में लाया गया उसके बाद उसके एडवर्स इम्पैक्ट देखे गए थे। तो दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीन आने के बाद उसके जो बुरे प्रभाव है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों कि जो भी नॉलेज मैंने शेयर करी है आपके साथ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।